नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बुजुर्ग की गलत तरह से वैक्सीन लगने से मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि पीलीभीत के ड्रम इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन कैंप चल रहा था। शख्स वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगवा कर घर वापस लौट रहा था, उसी वक्त राजेंद्र अग्निहोत्री की अचानक तबीयत खराब होने लगी। आनन फानन में परिवार वालों ने पीलीभीत के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवारजनों ने कप्तान को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मौत का कारण स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है। दरअसल पूरा मामला पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के मोहल्ला सुनगढ़ी का है, जहाँ के रहने वाले राजेंद्र अग्निहोत्री को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उनके जीवन पर उस वक्त भारी पड़ गई जब स्वास्थ्य कर्मचारी ने गलत तरीके से वैक्सीन लगा दी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। जब राजेंद्र दूसरी डोज ले रहे होंगे तो राजेंद्र शायद यही सोच रहे होंगे कि अब कोरोना उनको छू भी नहीं पाएगा, लेकिन क्या पता था कि वैक्सीनेशन कराने का दिन ही उनके लिए आखिरी होगा। दिन था 12 जुलाई, समय दोपहर 12 बजे, जगह पीलीभीत का ड्रम इंटर कॉलेज वैक्सीनेशन कैंप, जहाँ वैक्सीन लगने के बाद हालात बेकाबू हो गए और राजेंद्र की मौत हो गई। राजेंद्र अग्निहोत्री के बेटे ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रात 11:30 बजे घर से फोन आया और बताया गया कि पिताजी ने कल ड्रम इंटर कॉलेज वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगवाई थी। उसके बाद शाम को तबीयत बिगड़ गई, मुंह से झाग आने लगा तो उनको SK हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर्स ने वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। शरीर में नीले निशान पड़ गए, जिससे ये लगता है कि वैक्सीन रिएक्शन कर गई है। रात में 11:30 बजे मेरे घर से कॉल आया और मुझे सूचित किया गया कि मेरे पिताजी ने कल सुबह 11:30 बजे वैक्सीन लगवाई थी, डर्मेटाइजी इंटर कॉलेज जो पीलीभीत में है, यहाँ जाके वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद वैक्सीन के रिएक्शन के कारण इनकी शाम को तबीयत खराब हो गई। शाम को तबीयत खराब होने के बाद इनको SK हॉस्पिटल पड़ोस में है उसके बाहर ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। इनके मुँह से झाग आ रहे थे और इनके शरीर में नीले निशान है, जिससे ये लग रहा है कि वैक्सीन रिएक्शन करी हो, उसी वैक्सीन के जो रिएक्शन है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ये किस जगह का मामला, कौन सी कोतवाली लगती है? ये मोहल्ला सुनगढ़ी थाना क्षेत्र का मामला है और कोतवाली पीलीभीत की लगती है। दिनांक 12 जुलाई को दमन कॉलेज में कोविड वैक्सीनेशन कैंप चल रहा था, जहाँ पे ये वैक्सीनेशन लगवाने गए थे। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद घर वापस आ गए, शाम को अचानक तबीयत खराब हुई और शरीर ढीला पड़ने लगा, उसके बाद मुँह से थोड़ा बहुत झाग भी आया, अच्छा लग रहा था। कोविड वैक्सीन इनको रिएक्शन करी है, तो जैसे ही हम लोग SK हॉस्पिटल इनको लेकर गए, वहाँ पर जाते जाते इनकी रास्ते में दम तोड़ दिया इन्होंने, और वहाँ पे हॉस्पिटल में चेकअप कराया तो वहाँ पता लगा कि अब शरीर में कुछ नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश को जिस वैक्सीन के भरोसे कोरोना से निजात दिलाने की बात हो रही है, वो वैक्सीन ही जब लोगों की जीवन लीला खत्म करने लगेगी तो भला लोगों में वैक्सीन को लेकर भरोसा कहाँ से बन पाएगा। इसे स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही समझें या गलत तरीके से वैक्सीनेशन समझ लिया जाए, वजह चाहे जो हो, NBC हिंदी ऐसे लापरवाह कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।